मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कि अंडकोश के ऊपर पिंपल्स क्यों हो जाते हैं, मतलब जिसे हम फोड़ा भी बोलते हैं, कि वो क्यों हो जाता है और इसके क्या कारण होते हैं। इस विषय के अंदर आज मेरे से राहुल कुछ प्रश्न पूछेगा। आज वो मेरे साथ ही बैठा है, कह रही मेरे को कुछ ये प्रश्न पूछने। मैंने कहा जरूर पूछो तुम। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल है और मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अंडकोश पर पिंपल होने का क्या कारण होता है? राहुल, अंडकोश के ऊपर पिंपल भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बाकी शरीर के ऊपर जो है हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब फोड़ा हो जाता है। उसका कारण क्या होता है, जैसे हमारे अंडकोश के ऊपर भी बाल होते हैं और वो बाल जैसे कई बार टूट जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि बाल तोड़ हो गया है, तो उसमें बाल की जड़ के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पोर होता है अगर वो बंद हो जाए और उसके अंदर बीच में बैक्टीरिया हो, तो बैक्टीरिया अंदर ग्रो करते रहते हैं और फिर वो धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से वहाँ पर एक दाना बन जाता है, जिसे हम फिर पिंपल कहते हैं। सर, क्या पिंपल्स और STD एक ही बीमारी होती है? पिंपल और STD एक बीमारी नहीं होती हैं, दोनों बिल्कुल अलग बीमारी हैं। क्योंकि पिंपल तो जैसे मैंने बताया शरीर पे कहीं भी हो जाता है, उसी प्रकार से अंडकोश के ऊपर भी हो जाता है। और STD एक बीमारी है जिसका पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जब दो व्यक्ति संभोग करते हैं या उसके अंदर अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे को भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर दाने हो सकते हैं, जिसको कि हम वो STD वाले दाने बोलते हैं। सर, यह पिंपल होने पर रोगी को कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं? जब ये पिंपल बनता है तो राहुल सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर जब इन्फेक्शन की वजह से एक बम्प बन जाता है जो लाल से रंग का होता है, और वो जब पता लगता है बम्प है तो फिर रोगी उसे देखता है और फिर वो उसे छू के भी देखे तो वो गर्म लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर जब पस बननी शुरू हो जाती है और पस ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो और भी ज़्यादा दर्द करता है। उस वक्त रोगी को बुखार भी आ सकता है, शरीर में दर्द होता है, पसीना आता है, सिर दर्द हो सकता है, ये सारे लक्षण इसके अंदर आ जाते हैं। सर, इससे बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए? वैसे हम बचने के लिए जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो है ये क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर ही होता है और वहाँ पे अधिकतर बच्चे जो है आजकल जैसे टाइट जीन पहनते हैं और टाइट कपड़े पहनने की वजह से वहाँ पे फिर ब्रीदिंग उस स्किन के ऊपर पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिल जाता है और फिर वहाँ पसीना भी आता है, पसीना भी जो है बैक्टीरिया को ग्रो करने के अंदर सहायक होता है। तो इसके अंदर इनसे बचने के लिए यही करना चाहिए, प्रतिदिन व्यक्ति को नहाना चाहिए और सारे शरीर के ऊपर साबुन लगा के फिर अच्छे से वॉश करेगा तो वो बिल्कुल क्लीन रहेंगे और बैक्टीरिया को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। और टाइट जीन की जगह जो है अगर लूज कपड़े पहनेंगे तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। रात को तो कम से कम लूज कपड़े पहन के सोना ही चाहिए। अगर वो दिन में कहता है ये मेरे को तो टाइट जीन पहननी है, मैं तो फैशन के अंदर रहता हूँ, अगर मैं ऐसे चलूँगा तो फिर वो लोग कहेंगे अरे ये तो कैसा बावला सा लड़का है, तो ये बातें रहती हैं। लेकिन रात को तो कम से कम लूज कपड़े पहन के सो ही सकते हैं और सवेरे शाम जिसको अगर ऐसे पिंपल की शिकायत होती है तो वो सवेरे शाम दोनों टाइम नहाए, जिससे कि उसका हाइजीनिक कंडीशन ठीक रहेगी। और कभी दूसरे का तौलिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरे का अंडरवियर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका इलाज क्या करना चाहिए सर? इसके इलाज के लिए सब बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी के अंदर जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो वहाँ पर क्लीन करके हम पुल्टिस लगा सकते हैं और अगर उसके आसपास बाल हैं वो बाल जो है शेव कर दिए जाएं और फिर पुल्टिस लगा के वो जब पक जाएगा तो उसके अंदर से पस निकल जाएगी और जब वो पस निकल जाएगी तो फिर उसके अंदर से जल्दी से वो ठीक भी हो जाएगा। और इसी तरह से जो है उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे होम्योपैथी के अंदर बेलोडोन एक दवाई है, जब वो रेड होता है तो उस वक्त जो है बेलोडोन नाम की दवाई दी जाती है। जब उसमें पस बन जाती है तो पस बना के ज़्यादा और उसको फोड़ने के लिए और सुखाने के लिए हिपरसफ नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। और एक बिल्कुल स्पेसिफिक दवाई है होम्योपैथी के अंदर जो स्क्रोटल एब्सेस के ऊपर ही काम आती है, जिसका नाम है अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर का प्रयोग करके भी इसको पूर्णतया ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको अगर कोई भी कोई और प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, अपनी सलाह दें, मैं उनके ऊपर अमल करके आपको और अधिक जानकारियां दे पाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।